नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को सीजन की दूसरी बारिश, पहले एक बार हल्की हुई थी और ये दूसरी बारिश मुबारक हो। और ये है हमारा घिम्मों का खेत, ये जमाव पे चल रहा है बहुत बढ़िया। ये दोस्तों 30+ है, 30 इंच से ज़्यादा है इसकी चौड़ाई, घिम्मों की बुआई जो हुई थी ये। और इसमें पूरी रात बारिश पड़ी हल्की हल्की, तो इसमें जो है खेत बिल्कुल सूखा था ये, और पानी भर रहा, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। दोस्तों ठाल कर दी राम जी ने करीब 15 दिन की, बहुत ही जबर बारिश पड़ी हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं ये जो बराबर में खेत है इसमें भी पानी भर रहा, बिल्कुल गहरा खेत है ये, और ये एक ही लेबल है। अब इसमें पानी नहीं देना पड़ने का दोस्तों, अब जैसे ये सूख जाएगा इसकी हल्की हल्की जुताई करके तुरंत इसमें खुर फावड़ा निकलवा देंगे, जिसे पहली खुदाई कहते हैं, फिर उसे कोर पे कोर दे देंगे और यही जो है हमारा बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। ये हमारी अगले खेत जो है इसमें पिड्डी है, इधर अंकित की मक्का ढहगी तूफान में, हल्की हवा भी थी राज झाए बोल रहे हैं जिसे। ये हमारी पेड्डी है, इसमें पत्ती वगैरह फला के हमने पहली डोज लगा दी। अब इसमें जो है करीब 10-15 दिन बाद में ये जो पीले पीले पौधे निकल रहे हैं सब काले हो जाएंगे। दोस्तों ये जो है दूसरी पेड्डी है, और पुनीत पुनीत भाई जो है रास्ते पे, और पुनीत भैया जो है रास्ते में जो पानी भर गया बरसात का, उसमें साइड में उसका रास्ता कर रहे जिससे कि ये सारा पानी खेत में आ जाए और चलने वालों को कोई दिक्कत ना आवे। नहीं तो दोस्तों आप देखते होंगे कीचड़ हो जा रास्ते में, निकलने बढ़ने वालों को भी बड़ी दिक्कत पड़ती है, और खड़ौंजा बैठ जा। और एक बात और, ये जो रास्ते पर जैसे गोबर करते हैं डंगर जो होते हैं झोटे बैल वगैरह, वो भी सब इसमें घुल जा लिक्विड, और वो सब ऐसे बह के जो है आप देख सकते हैं ये जा रहा कम से कम 10 किलो बीघे का खाद जा रहा है, ये खेत में जाएगा सारा। और अब मैं आपको ट्रेंच दिखा दूं दोस्तों, आगे जो है हमारा ट्रेंच वाला पौधा आ जाएगा। ये इस पट्टी में मक्का है, मक्का जमी आई दोबारा से, एक बार हमने इसकी फसल ले ली मक्का की, अब इसमें दोबारा बो दी। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रंच वाला खेत है, इसकी कुछ मिट्टी गहरी हो गई थी इसमें, मतलब ट्रैक्टर से जो जुताई करी थी तो इसमें ज़्यादा मिट्टी आ गई थी, तो हमने अब इसकी देखा कोई ब्याज दबरा, तो अब इसकी हमने जो है मिट्टी हटा दी धोरे से। लेकिन हटाने के बावजूद रात बारिश पड़ गई तो इसमें पानी भर गया, ये 5-7 दिन में पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम खुदाई में लगेंगे। यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक हटा दी थी, यहाँ के ये खूड रह रहे थे, जैसा भैया जी ने हटा दिया आप देख सकते हैं सारा पानी खेत में चला गया, रास्ता बिल्कुल सूख गया है। और ये शाम तक अगर मौसम ठीक रहा तो हवा निकल जाएगी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा दोस्तों रास्ते का खेत है, दूसरा ट्रेंच वाले का, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जमाव है। ये दोस्तों सिंगल बर्ड है, वो 2 से 3 पेंडे का है इससे परले वाला, और ये सिंगल बर्ड है आप देख सकते हैं, इसमें एक दोहरे से ब्यांत है बिल्कुल। ये खेत पहले दिन से ही बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसमें आप देख सकते हैं 3-3, 4-4 आँख निकल रही बढ़िया, बिल्कुल सिंगल बर्ड वाला है ये, और बहुत ही सुंदर ईंख खड़ा। दोस्तों आपको हमारा ट्रेंच का ईंख और हमारा काम करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।